बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार। फौजी को रोड पे दौड़ा के मारा जाता है और पत्रकार जब आवाज उठा रहा है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो अब पब्लिक करे तो करे क्या, मतलब यानी इनके कहने का मतलब है कि 1990 में जो होता था कि जो वो करते थे किसी को पता नहीं लगता था, अब तो वो आ गए। अगर छापा मारा लो काहे मराई लो ओकरा के हुंगिया जे दबा दियाओ जे डरा जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पर। आप देख सकते हैं किस तरह से आज मनीष कश्यप के घर पे कुटी जब्त की गई है और कितने लोग इकट्ठे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े क्रिमिनल के घर पे जब मारी नहीं होती है, कुटी जब्ती नहीं होती है, लेकिन एक बिहार का लड़का जो गरीब परिवार से आता है और जब गरीब का आवाज़ बनकर उठता है तो उसके घर पर क्यों छापामारी की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितना लोग इकट्ठे हैं और यहीं वह घर है। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि मनीष कश्यप के घर पर तो कुर्ती जब्ती हुई ही है, लेकिन साथ में उनके परिवार के घर में भी की गई है। और सब लड़का गाँव का हो अहिती चुक से हमके हेते जाके देख ले बानी सो। आ बहुत सीधा साधा भोला भाला लड़का बा, आ ओकरा ऊपर इतना सरकार चढ़ल बा जे कौनो कौनो ऐसन ऐसन केस में वो डाल देता जे ओकर कौनो अंत नहीं है। जो गरीब के बड़ा रक्षा करता, सबके रक्षा करता, एगो गरीबे के रक्षा नहीं करता, अमीरों के रक्षा करता, गरीबों के रक्षा करता। आ वो आए हमारा सच्चा के जमाना नहीं है, जितना झूठ चोर जितना लोग बा ओकरे लोग पाछ कहता, सच्चा के कोई पाछ गाहत नहीं है। गलत काम को होता नहीं, ओकरा लूटे के सरकार के लूटे के पावर बा, खाली लूट ली ओकरा कोई के रक्षा ना करी, ना कोई के कुछ कर सकता, ना गरीब के कोनो चीज पूजा सकता, ना लड़का के पढ़ा सकता, खाली राशन दे दी खिया दी या ओकरा से पाछा से छुरा घोंप दी। अच्छा, तो पानी के ते गांव के हुआ लोगन, खासकर के मनीष कश्यप के गांव के हुआ लोगन जी, मनीष कश्यप के जोन विचार बा अभी उनकरा के एकदम अपराधी के तरह पेश करल जाता, तो उनका के बात पानी के तो शुरू से देखा था उतर लोग बहुत पैसा हिसाब के आदमी है, थोड़ा बतावल जाओ हमनी के। बहुत विचार के आदमी बड़े, कोनो गलत आदमी नहीं, खन बहुत सच्चा सच्चा भोला भाला लड़का बाबू। ओकरा के एकदम बोल जो रही फसावल जाता जे केहू में फसो जे आगे बढ़ो, काहे फसावे के कोशिश करल जाए। ओकरा कारोबार पर जो गरीब के रक्षा करता, हने के रक्षा करता, होने रक्षा करता, ये रक्षा ना करो हमनी के लूटे के पावर सरकार के तो खुश होके चाहेंगे। तो हमार जो काम बा कौन दूसरा आदमी निकल के करता, रक्षा करता, मदद करता, तो ओकरा नीचे अच्छा लागत सरकार, ओकरा अच्छा नीचे लागत, ओकरा चोरावे के ना मौका मिली। अच्छा अच्छा, ओकरा चोरावे के मौका ना मिली, एकरा के चोरी नहीं छे होके दे सरकार के जोन चोरी बा ओकर उजागर कर देतर मनीष सरकार, ओकरा वजह से सरकार। हां सरकार एंगे कहले भाई का कहले बड़न हइए, हमर छापा मारल ह काहे मराइल ओकरा के केहू इया जे दबा दियाओ जे डेरा जाओ, ई आगे बढ़ नहीं सकू। यानी अपने के कहे के हिसाब बा कि छापा ना हुए, ई मनीष को सब के डरवावल जाता। हां डरवावल जाता, ओकरा के बहुत डरवावल जाता, ओकरा के कोई को धमकी देता जे मार देम, कोई कुछो कहता, कोई कुछो। यानी के गांव के मनीष का सब कोन त एंग है छापा छुपी मरला से मनीष को सब डरे वाला आदमी बड़ा कि ना तनको डरे वाला लइका नहीं है, अब डर नहीं है सकत। देखल जाओ जे गो तो उनकर सामान उनकर दुगो कोठड़ी हिस्सा मिलल बा, तो दुइये गो कोठड़ी में से तुर के जाए के मोटरसाइकिल कहला दागल हो उनकर चाचा के, उनकरा चाचा के छोट चाचा के लदा गइल हो, उनकरा जेठ चाचा के लदा गइल हो, उनकर सीडी लदा गइल, उनकरा घर में ताला लाग गइल, ताला तुर के सब काढ़ भाड़ के सारा लोग ले गइल हो। ई उनकर नु चोरी है, निकाले के चाहे कि ये लोग का ई लोग का कइले बा, ओमे जे लोग के निकाल देलक हन सब पुलिस लोग को हतर लख जे हमनी के ऊपर से आदेश बा जे सबके गाँव के ऐसा बना देवे के बा जे साफ लोग डरा के ऐसा डरा जाओ जो वो बोले ना क्या ले ना। ऊपर से आदेश मतलब के कर आदेश, और कौन जे एसपी साहब बारे में उनका आदेश बा, आज वो लोग उठा ले लोग भियान हमने के उठाई, ऐसे हमने के डर गइल बानी सन जे भियान हमने के गांव के चाहे एक हो आदमी के सब कोई के उठा के कहीं डाल देवे, कहीं मुआ देवे, चाहे कुछ कर देवे। जो आज हुआ मनीष कश्यप के साथ वो देखते हुए लग रहा है फिर से जंगल राज शुरू हो गया है, क्या बोलती है पब्लिक? शुरू हो गया है ना जंगल राज, जंगल राज में यही होता है, बिना गलती के जेल जाते हैं, कुटकी जब्ती होती है, घर लूट जाता है। करप्ट सरकार है, करप्ट सरकार है। तो मनी आने वाले समय में अगर जंगल राज रहा तो यही हाल होगा, शुरू से भी यही, इससे बुरा भी हो सकता है। और शुरू से आप लोग देख ही रहे हैं, पहले हमारे पास सड़कें नहीं थी, हम मिट्टी पे चलते थे, उसके बाद खड़ंजा हुआ, उसके बाद पीसीसी। इस सरकार में फौजी को रोड पे दौड़ा के मारा जाता है और पत्रकार जब आवाज उठा रहा है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो अब पब्लिक करे तो करे क्या,
मतलब यानी इनके कहने का मतलब है कि 1990 में जो होता था कि जो वो करते थे किसी को पता नहीं लगता था, अब तो वो आ गया क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, जिसकी वजह से सब कुछ वायरल हो जा रहा है रातों रात। तो इस चीज़ का उन्हें डर लगता है कि भाई कोई भी मीडिया वाला आवाज़ उठा देगा तो हम लोग फंस जाएंगे, पब्लिक हमारे विपक्ष में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, इसीलिए जो भी छोटे मोटे मीडिया वाले होते हैं उनको पकड़ के अंदर बंद करो, तो ये उनका मोटो है। बिहार सरकार सरकार तेजस्वी जी दो हाय हाय।